हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथा, रोथा जेलिसिस माय नेम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है यार, कि कैसे हम एक अच्छा कॉलेज चूज कर सकते हैं, स्पेशली उनके लिए जो कहीं ना कहीं ड्रीम अपना संजोए होते हैं, आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज या आईआईईएसटी जैसे कॉलेजेस के लिए। तो आज जो हम एग्जैक्टली टॉपिक लेके आए हैं यार, वो है NITs या ITs या ट्रिपल ITs कॉलेज को कैसे चूज करना है, कैसे आप समझोगे कि ये अच्छा कॉलेज है मेरे लिए, राइट? क्योंकि देखो, यहाँ पर एक रैंक तो डिसाइड कर दी जाती है। NIRF ने भी एक रैंकिंग दे दी है कि महाराष्ट्र बहुत अच्छा है, उसके बाद अगर आप जाएंगे तो मुंबई अच्छा है, दिल्ली अच्छा है, खड़गपुर अच्छा है, राइट? लेकिन अगर मेरे मान लीजिए 1000 रैंक भी है, मुझे CS ब्रांच चाहिए, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है? अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र भरेंगे, मुंबई भरेंगे, दिल्ली भरेंगे या फिर खड़गपुर, इन चारों में भी आपको सीट नहीं मिलेगी 1000 रैंक होने के बावजूद भी। तो पहले तो ये समझना है कि मेरी रैंक कितनी है। अब उस रैंक के हिसाब से मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो कौन सी ब्रांच में कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, क्या मैं CS के साथ साथ कोई और रख सकता हूँ, नहीं यार मुझे तो CS ही चाहिए, मुझे तो IT चाहिए, मुझे तो EC चाहिए। सो अगर ऐसा कुछ है तो फिर कौन सी मुझे कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहिए, राइट? सो फिर मैं यार कॉलेज से कंप्रोमाइज़ कर लूँगा, मुझे ब्रांच से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। सो सबसे पहले तो यही आपको देखना होगा। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि आपको कौन सा NITs आपको प्रेफरेंस करना है, राइट? सो अगर हम NITs की बात करें तो यार सबसे पहले तो आप लोग भी पैनिक होते होंगे कि यार मेरा रिजल्ट एक जो मैंने एक्सपेक्टेशन की थी वो नहीं आया। कई लोगों को तो ये भी होता है कि जिनका रिजल्ट वाकई में अच्छा आया लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते। कई लोगों का रिजल्ट ख़राब होता है, वो ऑब्वियसली फिर तो सेटिस्फाई होना बनता ही नहीं है। NITs कॉलेज कितने हैं? अगर हम NITs की बात करें, 31 NITs है, हर स्टेट में NITs होता है, लेकिन कई NITs से बेटर ITs होते हैं, राइट? कई NITs से बेटर ट्रिपल ITs होते हैं। अब ऐसा नहीं आप बोल रहे हो कि ITs तो बेटर होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर टॉप 5 ITs के बाद NITs का नंबर आता है, राइट? सो ऐसा नहीं है, IIT से बेटर भी है, NITs होते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज या अलग अलग स्टेट के कुछ स्टेट कॉलेज ऐसे होते हैं जो NITs से बेटर हैं, तो आप उनको भी चूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश का SGS ITS है, वो कई NITs से बेटर है। सो कम टू द पॉइंट, अगेन मैं यहाँ पर बोलता हूँ, हर स्टेट में ये कॉलेज होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें असम, मिजोरम, गुवाहाटी, तो लोग इस साइड जाना नहीं चाहते, तो यहाँ पर एक कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब अगर मुझे NIT मिजोरम चाहिए, सपोज मुझे NITs मिजोरम चाहिए, तो मैं उस स्टेट में रहता हूँ, मैं मिजोरम में रहता हूँ और मुझे NITs मिजोरम चाहिए, तो उस स्टेट का जो कोटा सिस्टम होगा उसके तहत मेरी 5 लाख रैंक होगी, तो भी मुझे वो कॉलेज मिजोरम NIT मिल सकता है। लेकिन आप बाहर से अगर आ रहे हैं और उस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं NIT मिजोरम में, तो हो सकता है आपकी 50,000 रैंक है तो आपको ना मिले। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, NIT मिजोरम में मुझे एडमिशन चाहिए और मेरी रैंक यहाँ पर है 50,000, तो भी आपको नहीं, हो सकता है वो 40,000 के अंदर फिल हो जाए। लास्ट ईयर भी यही होता है, 50,000 के अंदर ही फिल हो जाएगा, राइट? बहुत सारी ब्रांचेज में, और ये भी मैं बात कर रहा हूँ अगर मन पसंद की ब्रांच चाहिए, सिविल चाहिए या फिर आपको चाहिए CS, तो हो सकता है कि आपको 20,000 की रैंक के अंदर ही ये फिल हो जाए। सो ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। वहीं पर मैं उस स्टेट का हूँ, इसकी वजह से मुझे 5 लाख की रैंक पे भी मिल रहा हूँ। अब ये स्टेट का क्या है, मतलब होम स्टेट होता है, अदर स्टेट होता है। होम स्टेट का मतलब ये होता है कि आप जहाँ पर रहते हो उस स्टेट के मूल निवासी हो, मतलब वहीं के रहने वाले हो और उसी स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो, उस स्टेट में आके आप पढ़ाई कर रहे हो, सो राइट, आप इसका मतलब है कि आप अदर स्टेट से हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। OS and HS मतलब होम स्टेट, अदर स्टेट। लेकिन ये डिपेंड भी करता है हर कैटेगरीज में, अगर आप OBC के हो, SC ST के हो, तो इस पर भी डिपेंड करता है। ये सिर्फ मैं आपको एक जनरल का एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट? अगर आप SC ST OBC के हो, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के हैं। अब एक और एग्जांपल मैं दूंगा, आपने ये तो सुन लिया कि यार मिजोरम में अगर आप उस स्टेट के हो तो 5 लाख में होगा, लेकिन अगर अदर स्टेट से हो तो 50,000 में भी नहीं होगा। लेकिन ये हर स्टेट के कॉलेज के लिए नहीं होता ऐसा, राइट? अगर मान लीजिए मुझे NITs पटना ले लीजिए या NITs दिल्ली ले लीजिए, तीसरा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया मिजोरम,
अब आप ले लीजिए NIT पटना और NIT दिल्ली। अगर आप NIT पटना में जाते हो तो NIT पटना आप देखेंगे कि 1886 में स्टेब्लिश हुआ था। ओवरऑल अगर पैकेज की बात करेंगे तो 6 लाख है इसका। वहीं NIT दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो 2010 में स्टेब्लिश हुआ था, पैकेज जो है 7 लाख है एवरेज। अब अगर कैटेगरीज वाइज आप देखेंगे, अगर मैं NIT पटना में लेना चाहता हूँ, मैं पटना का हूँ, होम स्टेट मेरी कैटेगरी है, तो भी मेरा 17,000 पर रैंक क्लोज हो जाएगी। वहीं पर अदर स्टेट वहाँ पर 15,000-16,000 के बीच में क्लोज हो जाएगा, राइट। सो आपने देखा कि ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 17,000 और 15,000। अगर मैं NIT पटना ले रहा हूँ, अगर EWS कैटेगरी में जाता हूँ तो मैं 18,000 में जा सकता हूँ, अदर स्टेट 20,000 में जाएगी। OBC में हूँ अगर मैं, यहाँ पर यू नो OBC कैटेगरी में अगर मैं देखता हूँ तो मैं देखूँगा कि 21,000 की रैंक में मुझे वो कॉलेज क्लोज हो जाता है। वहीं पर अदर स्टेट की अगर हम बात करें, अदर स्टेट से जो बच्चे आते हैं 22,000 में उसमें भी क्लोज हो जाता है। सो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं NIT पटना जितना कि मिजोरम में होगा। अब यहीं पर अगर आप SC की देखें तो 90,000 में आपका क्लोज हो जाएगा, 89,000 में। वहीं पर आप अदर स्टेट से हो तो 75,000 में। ST के हो तो 1,20,000 में आपका रैंक क्लोज हो जाएगी। वहीं पर अगर आप देखेंगे कि अदर स्टेट से तो 1,30,000, राइट। सो यहाँ पर आपने देखा कि 19-20 का फर्क है, ऐसा क्यों, राइट। अब हम जरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर NIT दिल्ली का। अब NIT दिल्ली को अगर हम देखेंगे जो कि 2010 में स्टेब्लिश हुआ था, होम स्टेट कोटा है, तो आप 20,000 अगर आपकी रैंक है 20,000-21,000 तो भी आपको NIT दिल्ली मिल सकता है, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो। वहीं पर आप अदर स्टेट से आते हैं और दिल्ली का NITs आपको चाहिए तो दिल्ली का NITs आपको 10,000 भी रैंक है ना तो भी नहीं मिलेगा। कहाँ वहाँ पर 20,000-21,000 रैंक में आपको मिल रहा है, और यहाँ पर अगर आपकी 10,000 रैंक है तो भी आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से फीमेल कोटा सिस्टम भी होता है, राइट। और इसके अलावा जनरल में अगर आप हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ, OBC में अगर आप हैं तो 49,000 में आपको मिल सकता है, लेकिन अदर स्टेट से आते हो तो 17,000 में ही वो क्लोज हो जाता है, राइट। आप उस स्टेट से हो तो आपको 49-50,000 में, मतलब 50,000 की कैटेगरी में आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट से आते हो 17,000, सो डिफरेंस कितना है। अब इसी तरह से SC की बात करें तो आप 92,000 की रैंक में भी आप वहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हो तो 57,000। ST की बात करें तो 1,50,000, मतलब 1,60,000 की रैंक में आप वहाँ पर मिल सकता है, लेकिन अदर स्टेट की बात करें तो 60,000। अब ये बेरी क्यों करता है, सी जैसे कि आपने NIT पटना में देखा कि 19-20 का फर्क है। सो पहले तो ये होता है कि हर स्टेट का कॉलेज जो होता है वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे इस स्टेट में इतना कोटा सिस्टम रखना है, इतने परसेंट कोटा सिस्टम रखना है। हो सकता है मिजोरम में ज़्यादा हो, सो मिजोरम का कोटा सिस्टम ज़्यादा हो। दूसरा चीज बेरी भी करता है, वहाँ पर जो पॉपुलेशन है, जो बिहारीज हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में प्रैक्टिस करते हैं JEE की और इन सारी चीज़ों की, तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। और कॉम्पिटिशन होने के साथ साथ अगर मैं पटना से हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं पटना से ही पढ़ाई करूँ, या मैं बिहार से हूँ तो सबसे पहले मैं चूज़ करूँगा कि यार मैं बिहार का NIT पटना ही लूँ, तो मैं प्रेफरेंस उसी को चूज़ करूँगा, राइट। अदर स्टेट से तो वहाँ पर बहुत लोग कम जाएंगे, यार ठीक है पटना है, ये नो बिहार है, वहाँ बेसिक गरीबी है, ये सारी चीज़ें, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूँगा। लेकिन जो वहाँ पर रहने वाला है बिहारी, वो तो उसको ही चाहेगा ना, सबसे पहले वो चाहेगा कि मेरा यहीं पर एडमिशन हो, तो ये भी एक वेरियंस है। वहीं पर अगर हम मिजोरम की बात करें, वैसी पॉपुलेशन कम है, तो कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, जैसे देने वाले वहाँ पर लोग ही कम है, और फिर वहाँ पर जो कोटा सिस्टम वहाँ पर मिला हुआ है, राइट। अगर आपको दो ऐसे बंदे हैं कि मुझे इस कॉलेज में दो हैंडीकैप पर्सन लेना है, अब देयर इज नो मैटर, अगर आप दो ऐसे बंदे हैं, एक भाई है जिसकी रैंक है 1,00,000 और दूसरा भाई है जिसकी रैंक है 9,00,000, और दो ही बंदे वहाँ पहुँचे हैं हैंडीकैप कैटेगरी में, तो दोनों को मिल जाएगा, सिंपल सा सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि फीमेल कोटा है, कौन सा कोटा सिस्टम लगेगा, मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। इसके लिए हम काउंसलर एनालिटिक्स की सर्विस देते हैं। अब ये क्या होता है, काउंसलर एनालिटिक्स बेसिकली आपका एनालिसिस करता है आपकी रैंक का, आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए कॉलेजेस का, ब्रांचेस का, कैसे आपको टारगेट करना है वो कॉलेज, वो ब्रांच, और कौन सा कॉलेज अगर आप ब्रांच वाइज ले रहे हो तो बेटर है एज कम्पेयर टू। अगर कॉलेजेस में तो आपको एक रैंकिंग दी गई है, लेकिन हर ब्रांच पे भी डिपेंड करता है। CS में मे भी ये कॉलेज बेटर हो सकता है, EC में मे भी दूसरा कॉलेज बेटर हो सकता है। और इसके बाद आपके पास कौन सा कोटा सिस्टम है,
उस कॉलेज में कितने परसेंट वो कोटा सिस्टम है, फीमेल कोटा कितना होगा या फिर अदर कोटा सिस्टम कितना होगा, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके वो आपको बताता है कि इस तरीके से आप चॉइस फिलिंग करो, इस कॉलेज को पहले भरो, इसको बाद में भरो, और ये सारा चीज़ों का आपको एनालिसिस करके ही कॉलेज लेना है। सो आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 30% स्टूडेंट, ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल सर्वे बताता है कि 30% स्टूडेंट चूज रॉन्ग कॉलेज ड्यू टू द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, उनको पता नहीं होता है, गलत कॉलेज चूज कर लेते हैं। उनको मिल सकता है उनका ड्रीम कॉलेज, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि लेना कैसे। सो काउंसलर एनालिटिक्स से पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग के तहत। अब यार अगर बात करें कि यार इसका पैरामीटर्स क्या होते हैं, कैसे हम चूज कर सकते हैं कि एक अच्छा आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी कॉलेजेस क्या है, तो 5-6 पैरामीटर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो कि वो कॉलेज एस्टेब्लिश कब हुआ है, राइट। इसका भी बड़ा इंपैक्ट होता है यार, क्यों होता है। जैसे अगर हम मैं पटना की बात करूँ, NIT पटना कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1886 में, राइट। वहीं पर अगर हम बात करें NIT दिल्ली 2010 में हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पटना का एलुमनी नेटवर्क जो होगा ना वो काफ़ी स्ट्रांग होगा एज कम्पेयर टू NIT दिल्ली का। और इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आपका प्लेसमेंट होगा ना तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। सो यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट होता है इस चीज़ का, आप लोग इसको नज़रअंदाज जरूर कर देते हैं, लेकिन ये वाकई में इसका इम्पैक्ट होता है। NIT दिल्ली का एलुमनी नेटवर्क, क्योंकि अभी सिर्फ 8-10 साल ही हुए हैं उसको, सो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा एज कम्पेयर टू NIT पटना। भले ही NIT पटना का एवरेज प्लेसमेंट NIT दिल्ली से कम है, लेकिन उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा कि आप कहीं ना कहीं आप प्लेस हो जाओगे। दूसरा, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि एलुमनी नेटवर्क इतना तगड़ा है तो वहाँ पर आपको एक्सपोजर मिलेगा। अब अगर हम कंपेयर करें NIT दिल्ली से, तो आपको आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। दूसरा, जो ब्रांच आपको चाहिए उस ब्रांच में, उस कॉलेज में क्या उसकी रिपोर्ट, मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ना बजट देती है, आपको लाइब्रेरी का भी बजट दिखती है। ये लाखों में नहीं होता है, ये करोड़ों में होता है, आपको पहले समझने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बजट होता है, फैकल्टियों की सैलरी भी उनकी बजट आती है कि यार 80 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 120 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए, 70 लाख, अलग अलग चीज़ों में एक बजट आता है, तो आपको ये भी देखना ज़रूरी है। इस पर हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हो, जिसमें बजट के बारे में बताया गया है कि किस IITs NIT ट्रिपल IITs को कितना बजट दिया गया है। सो उसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल पे बने रखना है एक और इंजीनियरिंग सेगमेंट के लिए। RJ खबरी चैनल है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग की बातें करते हैं, तो जाओ जाके देखो उसे और पूछो अपना सवाल, पूछो हक से। मैं लाइव भी आता हूँ इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है रोथर जेलिस के नाम पे, ROTHAR रोथर JELIS, जाके आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, पूछ सकते हैं अपना सवाल। दूसरी चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, दो चीजें हो गई जो आपको याद रखनी है। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट भी बनाया हुआ है कि आप जब भी कोई कॉलेज को लें तो आप हमेशा उसको कंपेयर करें ब्रांच वाइज भी, और उसको कंपेयर करें उसकी रैंकिंग वाइज भी, राइट, कि उसकी रैंकिंग एग्जैक्टली क्या है। एक्सपोजर का बहुत ध्यान रखना आपको पड़ेगा कि यार मुझे एक्सपोजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लेसमेंट के पीछे मत भागिए। अगर मान लीजिए मुझे स्टार्टअप करना है, तो वहाँ पर क्या मुझे स्टार्टअप्स के लिए ऐसा कल्चर है, ऐसा एक्सपोजर है जो मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें आप बजट के थ्रू जान सकते हो कि किस कॉलेज में क्या बजट है और कैसा एक्सपोजर है। कुछ जो पुराने रह चुके हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप कहीं ना कहीं एनालिसिस करके एक बेटर IITs NITs गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज ट्रिपल IITs कॉलेजेस को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर डाउट है और अगर आप चाहते हो इस ब्रांच वाइज मुझे कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो यार इसके लिए हमने फैसिलिटी दी हुई है काउंसलर एनालिटिक। जाओ जाके पूछो अपना सवाल, पूछो हक से। और कुछ और सवाल है तो आओ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, वहां भी आप सवाल कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आपको मैं एक चीज बता दूं कि यहां पर हम देते हैं हफ्ते में 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मौका, जी हां, जिसमें आप हमें आके बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आपके जो भी सवाल होंगे हम वहां पर, बट यहां पर टॉप 50 जो लोग होते हैं ना, सिर्फ उनको ही मौका दिया जाता है। टॉप 50 या टॉप 100 होते हैं, सिर्फ उनको ही मौका दिया जाता है, पहले आओ पहले पाओ पे, राइट। जैसे कि हम कई बार वेडनेसडे को, बुधवार को या शनिचर को रात को 8 बजे आते हैं, तो टाइमिंग अपडेट हम करते रहते हैं उसमें। आपको कुछ नहीं करना है, नीचे एक लिंक दी गई है, नंबर अपना, क्वेश्चन आपको पूछना है, मोबाइल नंबर, आपका नाम, और बस वहाँ पर आप रजिस्टर अपने आप को कर दीजिए, हम उसका लिंक आपको भेजेंगे और उस लिंक के बाद आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे हम, 1-to-1 इंटरेक्ट होंगे,
जहां पर आप अपने सवाल पूछोगे और हम देंगे उसका जवाब। सो पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। शेयर करना जरूर नहीं भूलना है, क्यों? क्योंकि ऐसे तमाम बच्चों की यार डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद हो सके जिनको नहीं पता है, वो ड्रीम अपना संजोए हुए, अपना सपना देखा हुआ है उन्होंने किसी अच्छे कॉलेज में लेने का, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, गुमराह हो रहे हैं, राइट? सो इस 30 दिन में आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आप जानना चाहते हैं। वादा है मेरा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। इंजीनियरिंग से रिलेटेड छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें।